दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन कुमार, फिल्म गुरु, फिल्म मेकर, आप सबको नमस्कार करते हुए स्वागत करता हूँ सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी में। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनकी भी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, वे ज़रा ध्यान से ये वीडियो देखें, अंत तक सुने, देखें, समझें, क्योंकि जो 15 से 30 साल का उम्र होता है ना दोस्तों, बड़ा ही एक यू नो एक हाई वोल्टेज उसको बोल सकते हैं, ऐसी उम्र होती है जिसमें इंसान कई बार दिमाग से काम नहीं लेता और दिल के बहकावे में कहीं ना कहीं बिखर सा जाता है। दोस्तों बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है, कौन सा केस चल रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ, बॉलीवुड में जिस तरीके से आज एक केस हाईलाइट है एक एक्टर को लेके, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ये मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, बॉलीवुड में आने से पहले, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हो, ये प्यार व्यार के चक्कर से बाहर आ जाओ दोस्तों, आशिकी के चक्कर से बाहर आ जाओ। अगर आप लड़का हो, अगर आप लड़की हो, कोई भी मुझे सुन पा रहे हो, थोड़ा सा वक्त डेडिकेटेड होके, यस डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में, डेडिकेटेड होके दोस्तों आप थोड़ा सा वक्त अपने करियर पे दो, उसके बाद प्यार, आशिकी, मोहब्बत सब कुछ होगा और अच्छे से होगा, अच्छे से आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फिर शादी भी होगा, ब्याह भी होगा और अच्छे से आप सेटल डाउन हो सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लड़का हो तो लड़की पे कोई दबाव ना डालें, अगर आप लड़की हो तो लड़के पे कोई दबाव ना डालें। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई लड़की नहीं चाहती है, अगर आपको कोई लड़का नहीं चाहता है, सो कृपया करके उस पर प्रेशर ना बनाएं, उसको किसी भी तरीके से मेंटली इमोशनली टॉर्चर ना करें और अपने करियर पे फोकस करें। यार पूरा उम्र पड़ा है प्यार व्यार करने के लिए। सो आई होप ये मोटिवेशन और आई होप ये छोटी सी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। दोस्तों होता क्या है ना, प्यार को ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक से एक यू नो साइकोलॉजिस्ट सब ने बोला है कि जब आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हो, आपका जो फोकस है ना, आपका फोकस बिखर सा जाता है, आप डेडिकेट नहीं हो पाते, इन द सेंस आप काम पे फोकस नहीं करते, 90-95% आप यू नो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अलग चीज़ों पे ध्यान आपका चला जाता है। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, प्यार व्यार करेंगे, शादी वादी करेंगे, सेटल होंगे, लेकिन करियर बनाने के बाद, और करियर बनाने के लिए फोकस करना पड़ता है, फोकस करने के लिए किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है, गुरु बनाने के लिए किसी न किसी फिल्म एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ता है, और किसी न किसी फिल्म एकेडमी ज्वाइन करने के लिए फीस चाहिए रहता है, मिनिमम फीस चाहिए रहता है, मैक्सिमम फीस चाहिए रहता है। अगर आपको मिनिमम फीस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही कम बजट में मुंबई में सेटल होना है, मुंबई में रहना है, तो आइए, वेलकम टू मुंबई, वेलकम टू सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी। दोस्तों कोई नहीं ऐसा सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी जैसा। आई होप आप सब अपने आप को निखारेंगे, सुधारेंगे और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। यही एक पेशकश थी, यही एक रिक्वेस्ट थी। सो अगेन आई रिपीट, बॉलीवुड में आने से पहले आशिकी छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, ये आज का थंबनेल होने वाला था, बॉलीवुड में आने से पहले आशिकी छोड़ दो, कुछ करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज विपिन कुमार साइनिंग आउट, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।